शैतान इतना देरी से, ओम शर्मा प्रखर बहुत जल्दी ऑन कीजिए, इतना देरी से नाटक किया था बड़े जानवी दास, दिव्य बाबू, अदित्री बहुत हो गया नाटक, अदित्री ये हमारी प्यारी सी पाई आज लिखवाएंगे। हाँ बाबू देखो बाबू हम लोग क्या पढ़े थे सर्किल के बारे में, सर्किल के बारे में तो सर्किल के बारे में बता दिए बाबू है ना, सर्किल बारे में क्या क्या बताए सर, क्या क्या बताए बाबू, तो कुछ नहीं बताए थे। ठीक है एक सेंटर लो, क्या लो बाबू एक सेंटर लो है ना सर, सेंटर ले लो ठीक, और यहाँ से बाबू एक फिक्स लेंथ से बाबू, फिक्स लेंथ से बाबू ऐसे चारों तरफ बाबू एक इस तरह से गोल गार एरिया कवर कर दो है ना बाबू, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर हुआ बाबू, ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये जो स्ट्रक्चर हुआ बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर्किल कहते हैं ना, सर्किल कहते हैं ठीक। ठीक सर, सर्किल में ये जो है बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं, ये क्या हो गया सर्कमफ्रेंस हो गया, तो सर के सेंटर से बाबू सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी होगा इसको हम लोग रेडियस कहेंगे ठीक, और सर्किल में जितना भी रेडियस होगा सारे का बाबू लेंथ क्या होगा सेम होगा, सर्किल में जितना भी रेडियस होगा सारे सारे का लेंथ क्या होगा सेम होगा, सारे का लेंथ सेम होगा है ना, वो सारा का सारा लेंथ क्या होगा सेम होगा ठीक हो। नेक्स्ट इसमें आपको क्या बताए थे कि सर ये बताए थे डायमीटर के बारे में बताए थे, पीयूष बाबू म्यूट कीजिए, पीयूष बाबू वीडियो ऑन करो, डायमीटर के बारे में विधान बाबू म्यूट कीजिए, उसके बाद क्या बताया था वो डायमीटर के बारे में, तो डायमीटर क्या होता है सर वैसा स्ट्रेट लाइन सर, वैसा लाइन सेगमेंट सर जो सेंटर से पास करे, सेंटर से पास करता हुआ और बाबू उसका दोनों एंड कहाँ हो सरकमफ्रेंस पे हो, दोनों एंड बाबू क्या हो वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जो सेंटर से पास करे दोनों एंड कहाँ हो सरकमफ्रेंस पे हो, तो इसको हम लोग डायमीटर कहेंगे, क्या कहेंगे डायमीटर कहेंगे है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू डायमीटर कहेंगे है ना, ये डायमीटर हो गया, दोनों एंड कहाँ होना चाहिए सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए ना और सेंटर से पास होना चाहिए, डायमीटर हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या बताए थे, नेक्स्ट बताए थे ये मेरा रेडियस आर है ना ठीक है सर, तो ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या होगा ये रेडियस होगा, तो ये रेडियस आर है, तो एक रेडियस ये सर और दूसरा भी तो यही ना बाबू, दूसरा रेडियस आर सर, और यही क्या बाबू ए बी क्या है डायमीटर है, शांति से सुनना, ए बी मेरा क्या है ना, तो डायमीटर बराबर अगर टोटल लेंथ नापेंगे तो आर प्लस आर कितना 2R होगा है ना, तो ये फॉर्मूला बताया था जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 2R के बराबर होता है, कल बताया था ना, कल बताया था ये, प्रखर ऑन करोगे बाबू, प्रखर आनंद बाबू ऑन कीजिए, शैतान ही सब है, चलो ठीक है नेक्स्ट बाबू हर्ष बाबू समझना मन से ठीक ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया था वो कंसेप्ट ऑफ पाई है ना, ये बाबू सर्किल है सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकाले तो पाई का कंसेप्ट बताए थे है ना, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या दिया था बाबू पाई का कंसेप्ट बताया था ना, मन से समझना आप, मन से समझना दिव्या बाबू ओके सर। हाँ बाबू देखो पाई क्या था बाबू, पाई डरा दिया गया कुछ नहीं था, पाई बराबर 22/7 आता कहाँ से, कहाँ से नानी घर से दादी घर से कोई घर से नहीं आता, कंसेप्ट से आता। नेक्स्ट बाबू आपको हेडिंग किया था दिए थे क्या बाबू कंसेप्ट ऑफ पाई, क्या हेडिंग दिए थे कंसेप्ट ऑफ पाई है ना बाबू, क्या हेडिंग दिए थे कंसेप्ट ऑफ पाई है ना, ये दो गो लाइन दो ऊपर दो नीचे एक ऊपर वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं पाई पढ़ते हैं ना, पाई पढ़ते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ पाई क्या होता है बाबू, कोई भी आप सर्किल बनाओ किसी भी टाइप का, छोटा बनाओ मोटा बनाओ बड़ा बनाओ है ना बाबू, मतलब एक सर्किल ये बनाओ बाबू ठीक है सर, एक सर्किल इसे बनाओ बड़ा बनाते बाबू, एक सर्किल और बना बनाते है ना बाबू ठीक, तीन गो सर्किल है सर, तो सर्किल का बाबू हमेशा ये क्या होगा एक इसका ये सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा और इसका सेंटर होगा ठीक, तो ये डायमीटर इस सर्कल का नाप लो बाबू, इस सर्कल का डायमीटर नाप लो, ये सर्किल मान लो बाबू इस सर्किल का डायमीटर नाप लो है ना ठीक है सर, ये सर्किल का ये क्या हो गया सर डायमीटर हो गया ठीक। ठीक सर अच्छी बात है ना, तो डायमीटर ले लिया बाबू है ना, और इसका सर्कमफ्रेंस नाप लो, सर्कमफ्रेंस तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर, सर्कमफ्रेंस क्या होगा देखो कुछ नहीं बाबू, देखो देखो आराम से सुन है ना, सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर, सर्कमफ्रेंस क्या होगा तो ये हमारे पास देखो कुछ कुछ सर्किल है ना बाबू, तो देखो ये क्या छोटा सर्किल है सर, ये छोटा सर्किल है ना बाबू, छोटा सर्किल है, अदित्री के हाथ इतना मोटा है ना, तो ये छोटा सर्किल है ठीक है सर, तो इस सर्किल का डायमीटर होगा ना बाबू, इस सर्किल का क्या होगा शैतान डायमीटर होगा ना, इसको इसे थोड़ा होल्ड करो ना ठीक है, तो इस सर्किल का क्या होगा ये डायमीटर होगा ठीक सर है ना, इससे थोड़ा बड़ा सर्किल ले लेते बाबू है ना, इससे थोड़ा बड़ा सर्किल लो बाबू कि नहीं, कितना मेहनत करके आप लोग बनवाते हैं बाबू ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा सर्किल ले लिए है ना ठीक है सर, और इससे थोड़ा और बड़ा सर्किल सर, इससे थोड़ा और बड़ा सर्किल सर है ना, ये वाला एगो ले लो ठीक बाबू है ना, अब ये तीनों सर्किल का बाबू डायमीटर नापो, डायमीटर कैसे नापोगे स्केल से नापो ना शैतान, ये मेरा स्केल है इससे नापो डायमीटर है ना सर ठीक, इसका डायमीटर नापो, इसका डायमीटर नापो, तीनों का डायमीटर नापोगे, नापोगे ना है ना ठीक सर, अब इसका सर्कमफ्रेंस नापो, इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस नापो, तो ये सर्किल का सर्कमफ्रेंस को क्या सर, क्या सर ठीक है,
ये सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या सर? अब इसका सरकमफ्रेंस नापो, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस क्या होगा बाबू? ठीक है, ये मेरा सर्किल का ये जो दिख रहा है यही क्या है? सर्किल का सरकमफ्रेंस है ना, वो सरकमफ्रेंस। अब इसको नापो, तो इसको क्या करो, ओपन करो और इसका लेंथ नापो। ये लेंथ हो गया, इसका लेंथ तो आप स्केल से नाप सकते हैं, है ना बाबू? ठीक, तो हमेशा बाबू, हमेशा बाबू तीनों सर्किल, चारों सर्किल, कोई भी सर्किल रहेगा, इसका बाबू हमेशा क्या होगा? सरकमफ्रेंस लेना, समझो बात, समझो, सरकमफ्रेंस लेना, नापोगे बाबू, है ना? ठीक है सर, कुछ हो आएगा सरकमफ्रेंस बाबू, आएगा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी आएगा, है ना बाबू? ठीक है सर, और इस सर्किल का बाबू डायमीटर आएगा, है ना? ऐसे इसका डायमीटर होगा ना, जिन्हें अपना स्केल से इसे करते हैं ना, ठीक है? तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो जब निकालोगे, निकालोगे बाबू डायमीटर, है ना, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का जब रेशियो निकालोगे बाबू, तो सारे का सेम आएगा। ये छोटका सर्किल है, इस सर्किल का निकालोगे डायमीटर और सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालोगे, रेशियो निकालोगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा बाबू, वही वैल्यू बाबू इस सर्किल का आएगा, वही वैल्यू इस सर्किल का। इस सर्किल का क्या है सर? इधर से यहां से आता है डायमीटर और इसका लेंथ नापो स्केल से, इसे खोल के, तो सरकमफ्रेंस हो गया। तो हमेशा वो तीनों सर्किल का नापोगे ना बाबू, डायमीटर सरकमफ्रेंस का रेशियो, एक फिक्स वैल्यू आएगा, मैंने एक के समय आएगा, हमेशा सब घर सेम आएगा, सेम आएगा। वह वैल्यू हमेशा कितना आएगा बाबू? 22/7 आएगा। मतलब बाबू आप इतनी सर्किल बना और इतना बड़ा सर्किल बना, सारे का बाबू सरकमफ्रेंस डायमीटर का जब निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, तो हमेशा एक वो वैल्यू देगा, 22/7 आएगा बाबू, नहीं तो 3.14 आएगा। इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता। कोई भी सर्किल ले लो, दादी लो, इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा, इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा। तो इस सर्किल का भी डायमीटर लोगे, इसका सरकमफ्रेंस नापोगे, रेशियो निकालोगे, तो हमेशा यही वैल्यू आएगा। तो क्या है सारे सर्किल का वैल्यू क्या है? सेम है, सेम है। तो यही जो सेम वैल्यू बाबू, इसी को क्या कहा गया? पाई कहा गया। इसी को क्या कहा गया बाबू? पाई कहा गया, और कुछ नहीं कहा गया, डरा दिया गया। समझा बाबू? बाबू समझा कि ना? पीयूष, अंशुजीत समझा कि ना? अंशुजीत बाबू, यस समझा? उत्कर्ष, नो सर नहीं समझा, उधर गप कर रहेगा तो कैसे समझेगा, आके तो ढूंढ देंगे अटेंडेंस बाबू, उधर क्या कर रहा था अभी? नहीं समझा, समझाएंगे भी दोबारा नहीं। साल नहीं समझी बाबू? हाँ सर समझ में आ गया। उत्कर्ष का तो नहीं समझाएंगे ना, बगल में बैठ कर गप कर रहा था उधर मुंडी था। देवी समझी? उधर बैठ के क्या कर रहा? हाँ तो उधर बैठ के क्या कर रहा था उत्कर्ष? हमारे में पता नहीं चलता, देख रहा था। आ तो देखिए ना, देखिए जाके क्रिकेट देखिए। नेक्स्ट बाबू, है ना? तो अब बाबू हम लोग पाई को कैसे डिफाइन करेंगे बाबू? तो कुछ नहीं, डरा दिया। इट इज द रेशियो ऑफ बाबू सरकमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर, बस और कुछ नहीं, है ना? सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या सर? रेशियो है ना, रेशियो। नेक्स्ट बाबू, पाई को डिफाइन करेंगे बाबू, है ना? पाई को डिफाइन करो। क्या बाबू? सर ये डेफिनेशन कहीं भी काम आएगा। हाँ बाबू, कहीं भी काम आएगा बाबू। ऐसी डेफिनेशन से हम लोग बाबू पेरीमीटर जो सर्किल का 2 पाई होता है उसी के अनुसार, ठीक है बाबू? तो हम लोग बाबू ये पाई को बाबू डिफाइन करेंगे, है ना बाबू? डेफिनेशन पाई को डिफाइन करेंगे। लिख लो इसको। हाँ लिख लो, आए हो तो लिख लो। नेक्स्ट बाबू डेफिनेशन, डेफिनेशन किसका सर? पाई का डेफिनेशन बाबू, किसका? पाई का, है ना बाबू? डेफिनेशन ऑफ पाई बाबू, ठीक। तो पाई क्या बाबू? इट इज द रेशियो बाबू, इट इज द रेशियो। क्या बाबू? रेशियो। इट इज द रेशियो बाबू, इट इज द बाबू रेशियो। हाँ लिखे नहीं सर, इट इज द रेशियो बाबू, इट इज द रेशियो बाबू सरकम रेशियो ऑफ सर्किल, इट इज द रेशियो बाबू सरकमफ्रेंस। समझ में आया बाबू नारायण? यस सर। सरकमफ्रेंस बाबू टू इट्स डायमीटर, सरकमफ्रेंस इट इज द रेशियो बाबू किसका सर? इट इज द रेशियो बाबू सरकमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर, है ना बाबू? दैट इज कहने का मतलब क्या हो? पाई को अगर डिफाइन करना रहेगा तो सरकमफ्रेंस होगा बाबू, किसी भी सर्किल का, छोटा सा, मोटा सा, दाद बड़ा सा, सारे के लिए यही होता है। अब डिवाइड बाय डायमीटर, बता दिव्या डायमीटर और रेडियस के टर्म में क्या होगा? दिव्या विधान बोलो बाबू, डायमीटर बराबर क्या लिखे? डायमीटर बराबर क्या होगा रेडियस के टर्म में? मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है। हाँ बाबू, तो पाई बराबर क्या होगा बाबू? पाई बराबर क्या होगा? सरकमफ्रेंस
सर एक न्यू स्टूडेंट आया है। अरे आने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का द्वार है, एजुकेशन ले रहा है। डायमीटर बराबर क्या होगा सर? डायमीटर बराबर क्या होगा? वो आपको बताए थे ना, डी बराबर कितना होता है सर? 2R होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया ना। तो डायमीटर बराबर क्या लिखेंगे? 2R लिखेंगे। तो यहाँ से डी के वैल्यू हटा दो, डायमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। यहाँ से 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो सर्कमफ्रेंस बराबर कितना हो जाएगा? पूरे इंडिया में बाबू कहीं भी स्कूल का इस तरह से लाइव क्लास नहीं चलता, कोई कोचिंग रहे है ना, जितना आप लोग को परफेक्ट पंक्चुअल टाइम है ऐसा कहीं नहीं चलता। ठीक है, सर्कमफ्रेंस बराबर क्या, इसको 2π से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। तो यही क्या हो गया सर, सर्किल का सर्कमफ्रेंस हो गया है ना। वो सर्किल का क्या हो गया सर्कमफ्रेंस, जो बचपन में आप लोग रटते हो, कहाँ से आता है? डिफिनीशन आता है बाबू, पाई के डिफिनीशन से आता है ना। ये क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो गया सर, 2πr स्क्वायर। इतना मर मरेंगे ना, कहे पागल की तरह करते रहते बाबू। सर 2πr स्क्वायर अलग होता है, 2πr अलग होता है। हाँ मेरे बाबू, देखो तो विधान लेट से आया लेकिन तंदुरुस्त है। लिखे बाबू सर, डन। हाँ बाबू, मतलब क्या सर, एक बगल में सर्किल भी बना लेना बाबू, सर्किल बना लेना। सर लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक सर्किल बना लेना बगल में। ये हो गया ए बी बाबू, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और ये हो गया इसका सर्कमफ्रेंस हो गया। है ना, और ए बी क्या हो गया बाबू? डायमीटर हो गया। ए बी इक्वल टू कितना? 2R इक्वल टू क्या है? डायमीटर है। समझा हर्ष बाबू? सर वो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 के बाद क्या लिखे? यस 2 पाई है बाबू, ये पाई है, इसको पाई पढ़ते हैं, नहीं अभी तक नाम सुने हो उत्कार? नो सर। पाई इसको पढ़ते हैं, हेडिंग दिया हुआ पाई। ओके सर। लिखो बाबू, इंक डालते हैं। ये कौन है दिव्या? वीडियो कैसे बंद हो गया दिव्या? ये दिव्य शैतान। सर आप स्पॉटलाइट कर लो खुद को। नो सर। सर कर लो। अच्छा ठीक है, वो कर लेते हैं। वीडियो नहीं आ रहा। सर वीडियो भाग रहा है बार-बार। बाबू डबल क्लिक कीजिए, या तो भाग रहा है वो, तो मेरे वीडियो पे डबल क्लिक कीजिए, ठीक है ना, तो नहीं भागेगा। देखो जब भी वीडियो भागते फिर भी भाग। ठीक है, आप 3 बार क्लिक कर देते होगे। नहीं सर 2 बार करते। डबल टैप किया, आपका पिन हुआ है वीडियो। हाँ ठीक है, चलो अब नहीं भागेगा, स्पॉटलाइट कर दे, नहीं भागेगा। उधर क्या कब करा रही है? लिखो जल्दी, लिखे बाबू। कुछ क्वेश्चन हम लोग, पेरीमीटर मेरा चैप्टर फिनिश हो गया है ना, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा लेते ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एरिया पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे, 2-4 वो क्वेश्चन पहले करते हैं इससे रिलेटेड। समझ में आता है शालिनी? यस सर। हाँ बाबू, और उसको क्या बोलते हैं? आदित्री कल वाला वीडियो देखी थी बाबू? यस सर देखी थी। पूरा देखी थी? यस सर। झूठ नहीं ना बोलती हो, आप पे हमको सबसे ज्यादा आप ही पे विश्वास है, समझे अदित्री? देखी हो ना, सही बोलती हो ना बाबू? यस सर मैं देखी हूँ आपका वीडियो। हाँ सब तो समझ में आया है? यस सर समझ में आया। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं पेरीमीटर का, है ना, पेरीमीटर का क्वेश्चन कर लेते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर बता दिए बाबू, स्क्वायर का सारे का पेरीमीटर बता दिया है ना, पेरीमीटर बता दिया बाबू। हाँ बाबू, आप लोग लेवल में यही सब आएगा। लिखो बाबू, रिंकी चिंकी पिंकी, यही सब है बाबू क्वेश्चन है। रुक जा सर। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन, अब थोड़ा सा 2-4 वो कर लेते ताकि आपका। अच्छा ठीक है प्रखर, क्वेश्चन लिखते बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 बाबू। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या करा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ब्रेथ बाबू, 2-4 को कर लेते हैं फटाफट। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इसे ब्रेथ और रेक्टेंगल का निकालना। हाँ बाबू, ब्रेथ ऑफ बाबू रेक्टेंगल हुज बाबू
हुज क्या दिया बाबू, पेरीमीटर थ्री 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 हुज पेरीमीटर कितना आएगा जानवी दास बताते बाबू, हुज पेरीमीटर इज 360 सेंटीमीटर एंड लेंथ लेंथ इज बाबू कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर दिया हुआ। डिवाइड करो ना आइगन से ढूंढेंगे, बनाए जानवी दास जिसका कोई नहीं उसका जानवी दास। 360 डिवाइडेड बाय 100। हाँ मेरे लाल आप तो नाम ही रोशन करोगे बाबू। 80 आएगा सर, 80 80 सेंटीमीटर सर 80। हाँ बाबू 80 आएगा। 80 ना आएगा? हाँ बाबू 80 आएगा सर, 80 आएगा। हाँ कितना आएगा जानवी शर्मा जल्दी बनाए बाबू। शैतान कहाँ गिर गया जी बाबू, अब प्रकाश से हमारा कहाँ गया शैतान। नारायण बाबू जल्दी बनाइए। हाँ सर। वेरी गुड बाबू, देखो कैसे बनाएगा दित्री। सौरभ वीडियो ऑन करो शैतान। बना पीयूष कि नहीं बना बाबू पीयूष? सर बना रहे हैं। हाँ बाबू जल्दी बाबू जल्दी, प्रखर बना बाबू। नहीं सर बना रही। अरे शैतान इतना एलकेजी का क्वेश्चन में इतना देर बाबू। सर 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। आपको तो आके ढूंढेंगे पहले, न लिखता न फिर मम्मी बोल रहे थे बाबू कि लिखता उखता नहीं कुछ गए। सर 80। हाँ बाबू सर 80। अच्छा ठीक है, क्या कर रहा बाबू? पेरीमीटर कह रहा है, पेरीमीटर निकालने कह रहा है। किसका सर पेरीमीटर? किसका सर? रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का तो कल ही पढ़ा बाबू। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है सर? 2 होता है सर, एन 2 कितना होता है? एल प्लस बी होता है सर, 2 × L + B। हाँ हाँ, तो हमको क्या दिया हुआ? पेरीमीटर तो दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ हमको, दिया हुआ डाटा क्या क्या, डाटा क्या क्या दिया हुआ? पेरीमीटर दिया हुआ, गिवन क्या बाबू? पेरीमीटर दिया हुआ मेरा, क्या दिया हुआ? पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ सर? 360 सेंटीमीटर दिया हुआ। और लेंथ दिया हुआ, क्या दिया बाबू? लेंथ दिया हुआ, क्या दिया हुआ? लेंथ दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है ना, लेंथ दिया हुआ। लेंथ कितना दिया सर? 100 सेंटीमीटर दिया हुआ, 100 सेंटीमीटर दिया है ना। अब इसको बाबू यहाँ पे रखेंगे बाबू। सालनी हम आपको अलजेब्रा क्यों 3 महीना पढ़ा रहे हैं? जहां भी जिंदगी में जाओगे बाबू अलजेब्रा आपको नहीं छोड़ेगा। देखो यहाँ भी अलजेब्रा आ गया, ठीक है ना? वेरिएबल जहां भी आते हैं अलजेब्रा है, इतना इजी चीज अलजेब्रा है। अरे शैतान तो अलजेब्रा में यही है ना बाबू, जहां भी जाओगे अलजेब्रा आईबे करेगा, छोड़ेगा नहीं। फार्मूला रखो बाबू, पेरीमीटर बराबर कितना होगा? 2 × L + B होगा। पेरीमीटर मेरा दिया हुआ सर 360 सेंटीमीटर दिया हुआ, 2 × L की वैल्यू दिया हुआ, लेंथ 100 दिया हुआ, अब प्लस बी दिया हुआ। अब ये क्या आ गया? अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आ गया यहाँ पे, ठीक है? 2 × 100 कितना? 200, अब प्लस 2B हो गया। इसको इधर से लाओ बाबू, ये 360 हो गया माइनस 200 हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया। देखो ना अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो जब तक जीवित रहोगे अलजेब्रा आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए 3 महीना पढ़ाते हैं। और हमको शौक नहीं है बाबू। दिव्या कहाँ है बाबू? वीडियो कहाँ है बंद है? बैच डी में 2B बराबर कितना होगा? 100 खत्म हो गया सर। नहीं बाबू अभी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 80 ना सर। अच्छा ठीक है, बी का वैल्यू 80 सेंटीमीटर आ गया सर। अभी ई बैच में क्या पढ़ा रहे हैं? तो नीचे दिख रहा, मेरे को दिख नहीं रहा। अरे शैतान काहे नहीं दिख रहा बाबू, पूरा तो बोर्ड मेरे को दिख रहा। क्या दिख रहा है सर? बैच ई का वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। अरे बाबू जोड़ घटाव का क्या वीडियो अपलोड करें? हद कर रहा है, जोड़ घटाव चल रहा है, 2 + 2 चल रहा है सर। उसमें अलजेब्रा भी कब शुरू करिएगा? अलजेब्रा उसमें अभी दिल्ली दूर है बाबू, उसमें 1 क्लास का बच्चा सब है, 1-2 का, ठीक है ना? तो उसको उसी अनुसार पढ़ाएंगे बाबू, जैसा बच्चा। सर उसमें नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए हैं सर। क्या लिख रहे हैं? धुंधला दिख रहा है बाबू। आपका डाटा नहीं बच रहा होगा तनु। सर मेरा डाटा है
हमारा धुंधला जाएगा सर ने वीडियो बंद किया तो थोड़ा क्लियर दिखने लगा वीडियो बंद करके देखे तन्नू बाबू लिखो जल्दी से विधान समझ में आया बाबू विधान यस सर सर मैंने फाइंड कर लिया था वेरी गुड बाबू वेरी गुड सर दूसरा क्वेश्चन दीजिए हाँ दूसरा दे रहे हैं जल्दी लिखो बाबू यस सर समझी जानवी दास जानवी बाबू समझी कि ना यस सर अरे ये सब कैलकुलेशन बाबू अलजेब्रा अलजेब्रा तीन महीने किसके दिन के लिए पढ़ा यही सब दिन के लिए पढ़ा है ना हमको शौक नहीं अलजेब्रा तीन मंथ पढ़ाना लेकिन क्या करो कोई भी चैप्टर पढ़ोगे अलजेब्रा आपको पीछा नहीं छोड़ेगा अलजेब्रा 8 दिनों में मेरा हो गया था ठीक है ना बाबू नेक्स्ट बाबू फाइंड द साइड ऑफ नेक्स्ट अदिति थोड़ा सा समझी बाबू थोड़ा सा यस सर हाँ बाबू अच्छी बात है अदित्री बता दो तो बाबू स्क्वायर का साइड कितना होता है बता दो तो अदित्री वीडियो देखी हो तो मतलब सर बाबू बाबू स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है अदित्री 4 into side हाँ यस सर 4 into side वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है फाइंड द बाबू साइड ऑफ स्क्वायर बाबू हुज पेरीमीटर इज नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बाबू पेरीमीटर क्या है सर जल्दी बताइए ना बोल देंगे तो आप हल्ला चाँच चाँच करो लोगे सर पेरिमीटर बताइए सर हम लोग साइड बता रहे हैं सर आपको बोलना पड़ेगा ठीक है शांत रहो नेक्स्ट बाबू फाइंड द बाबू साइड ऑफ स्क्वायर बाबू तीन चार क्वेश्चन करवाएंगे ज्यादा नहीं करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 बाबू फाइंड द स्क्वायर ऑफ साइड हुज सर स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर ना फाइंड द बाबू इतना आप लोग वर्कलोड देते हैं साइड के लिखे हैं फाइंड द बाबू साइड ऑफ अ स्क्वायर इतना प्रेशर लिख दिया सर मैंने ठीक लिखा था हुज बाबू हुज पेरिमीटर इज रोज पेरिमीटर इज 100 सेंटीमीटर 25 होगा सर 25 होगा संजना खुश है एलकेजी में खुश है संजना 25 होगा हां 100 बाय 4 कर देंगे कितना होगा दिव्या सर 25 होगा हाय खुश है वाह बाबू 100 उस समय कोरोना आईडे नहीं किया था क्या किया जाए चलो अब 5G जब आ जाएगा ना वो इंडिया में अगले साल के आसपास में तो मैंने समझो ना ऑनलाइन क्लास का ऐसा क्रेज बढ़ेगा एकदम फुल HD दिखाई देगा एकदम सर तो फिर कोरोना खत्म होगा तो आप ऑनलाइन छोड़ दिएगा ना अब काहे छोड़े बाबू ऐसे के छोड़ेंगे कैसे बाबू ये पूरा पूरा बोल रहा है यार इतना पैसा कमा रहे सर अब छोड़ देंगे शैतान इतना आप दिन रात 18 घंटा 20 घंटा किसके लिए मेहनत कर रहे हैं बाबू देख रहे हो सर ये दिन ब दिन पतला होता जा रहा है 1 सेंटीमीटर होगा हाँ देखते हैं बाबू गिवन क्या दिया बाबू साइड दिया हुआ क्या दिया बाबू साइड दिया हुआ क्या क्या दिया साइड दिया किसका सर ऑफ स्क्वायर का इतना जो वर्कआउट कर रहे हैं बाबू साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ सर ये हमको निकालना सर दिया नहीं ये हमको फाइंड करना है ना वो फाइंड करना दिया हुआ क्या सर पेरीमीटर दिया हुआ क्या दिया पेरीमीटर दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ क्या दिया सर स्क्वायर दिया हुआ ठीक है ना स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ 100 सेंटीमीटर दिया हुआ तो हमको फार्मूला बाबू हमको फार्मूला क्या होता है सर पेरीमीटर बाबू कितना होता है 4 into side 4 into side होता है ना ठीक सर मतलब 4 into A लिखा हाँ बाबू 4 हो गया सर मल्टीप्लाई साइड हो गया बाबू अब 4 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो साइड बराबर कितना हो जाएगा साइड बराबर कितना हो जाएगा अरे नहीं मेरे बाबू अभी आप थोड़ा सीखोगे ये 25 आ जाएगा
25 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? आंसर ठीक। अभी सीखोगे तन्नो, अभी आपका बाबू थर्ड क्लास में ना, अभी टेंशन आप मत लीजिए। सर मेरे को फोर्थ क्लास में पेरिमीटर एंड एरिया सिखाया है। एरिया सिखाया था लेकिन कैलकुलेट करने के लिए ना सिखाया है, हादे कर रही है बाबू। एरिया पेरिमीटर सिखा लेकिन कैसे सिखाया कैलकुलेट करने का? अच्छा ठीक है, वो हम लोग मॉर्निंग बैच में सीखेंगे, ठीक है ना? अलग तरीके क्या था बाबू? अगला क्वेश्चन दीजिए सर। ठीक है दे रहे हैं। प्रकाश से आता है समझ में बाबू? हाँ सर। एलकेजी का चीज है बाबू, ये भी नहीं आएगा बाबू तो दिक्कत है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बाबू रिंकी चिंकी पिंकी है, ठीक है ना? कौन है सर? वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट बाबू अदित्रि का नाम लेते, सबसे क्यूट सी प्यारी सी अदित्रि है, इसमें सबसे क्यूट हमारी अदित्रि है। नेक्स्ट बाबू देखो अदित्रि, आप बाबू रन कर रही हो, दौड़ रही हो। अदित्रि समझ में आ रहा बाबू? अदित्रि को बोलिए माइक बंद करेगी। माइक म्यूट कर लीजिए बाबू, कौन है? चलो ठीक है कर ले। अरे हमारी सबसे प्यारी बच्ची, अरे सबसे प्यारी बच्ची है, उसको परेशान मत करो। नेक्स्ट बाबू अदित्रि बाबू रन, अदित्रि रन अराउंड बाबू, अदित्रि रन बाबू अराउंड स्क्वायर फील्ड, अराउंड स्क्वायर फील्ड बाबू, स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड बाबू, ऑफ साइड 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर बाबू। साइड जानवी कैसे स्पेलिंग? चलो ठीक है बाबू, ठीक है जानवी छोड़ो, जानवी हटाओ, जानवी हटाओ, सही बात है, शिवांगी लिख देते हैं, खुश हो जाएगी। ठीक शिवांगी रन, अच्छा ठीक है शिवांगी रन बाबू अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड बाबू, रेक्टेंगुलर फील्ड विथ लेंथ। सर देखिए सर, आप जानवी शर्मा का नाम मिटा दिए ना सर, वो चली गई, वो जानवी दास था, ठीक है ना सर, लेकिन जानवी शर्मा चली गई सर, ऐसा थोड़ी है। रेक्टेंगुलर फील्ड बाबू, रेक्टेंगुलर फील्ड विथ विथ लेंथ 160 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 105 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट बाबू हु कवर मोर डिस्टेंस? शिवांगी दीदी सर 230 सेंटीमीटर ज्यादा दौड़ेगी सर, बड़ी है तो ज्यादा दौड़ेगी नहीं, हमारी अदित्रि कछुआ भी सर 230 सेंटीमीटर रहेगा सर आंसर। ठीक है चलो ठीक है, जल्दी बनाए बाबू, जल्दी बनाइए। 230 सेंटीमीटर ज्यादा सर, बनाना क्या है सर, बना 230 सेंटीमीटर है ही कैसे, 230 सेंटीमीटर कौन दौड़ता है? हाँ बाबू ठीक है ठीक है ठीक है। मिस्टेक समझ में आता बाबू? यस सर। नहीं समझी सालने, सालने क्वेश्चन नहीं समझी बाबू, बहुत हम मंथन कर रही हो, बहुत मंथन, एकदम गहन चिंतन कर रही है। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं सौरभ, क्वेश्चन समझिए बाबू। अदित्रि है,
है ना, वो कहाँ दौड़ रहा है, स्क्वायर फील्ड में दौड़ रही है, स्क्वायर फील्ड में दौड़, मतलब वो जिस फील्ड के हम दौड़ वो कैसा स्क्वायर फील्ड है ना। चलो ठीक है, देखो समझे बाबू विशाल ने, ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है बाबू, ये स्क्वायर फील्ड है और अदिति इसी स्क्वायर फील्ड के अराउंड क्या कर रही है, दौड़ लगा रही है ना। ठीक है, स्क्वायर फील्ड का क्या दिया हुआ, साइड दिया हुआ 75 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है ना। ठीक है सर, कि नहीं, तो स्क्वायर का बाबू क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, तो ये 75 नेक्स्ट बाबू शिवांगी आ गए, शिवांगी शैतान आ गए, ये बाबू रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या कर रही है, दौड़ लगा रही है ना। आंख दे दो इसका, ठीक ठीक से दो, अच्छी बात है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड में बाबू चारों तरफ ये टर्न कर रहे हैं ना, दौड़ कर रहे हैं ना। नेक्स्ट बाबू जिसका लेंथ दिया हुआ कितना, 160 सेंटीमीटर दिया, और ब्रेथ कितना दिया बाबू, 105 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो कह रहा बाबू ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, है ना बाबू, ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर, हु कवर बाबू मोर डिस्टेंस, और कितना ज्यादा कवर करेगा, तो ये कितना कवर करेगा, तो जितना स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, जो स्क्वायर का पेरीमीटर उतना ही ना डिस्टेंस, है ना बाबू, जितना स्क्वायर का पेरीमीटर होगा उतना ही ना कवर करेगा, और ज्यादा कहाँ से आएगा, तो इसका पेरीमीटर निकालो, अदिति का पेरीमीटर निकालो, हाँ बाबू, तो डिस्टेंस कवर बाय अदिति, अदिति कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये दिस 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 इसका पेरीमीटर निकाल लो। नेक्स्ट, तो डिस्टेंस कवर बाय हमारी कछुआ अदिति कितना होगा, तो ये भी 75 सर, स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, सेम होता है, तो 75 सर, 4 इंटू साइड कर दो, सबसे बढ़िया सर, 300 है, 4 × 75 × 300 हाँ बाबू, ये 300 आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना बाबू। नेक्स्ट, शिवांगी के द्वारा बाबू कितना डिस्टेंस कवर होगा, 520 सर, 2 × L + B हाँ, है ना बाबू, डिस्टेंस कवर बाय बाबू, डिस्टेंस कवर बाय शिवांगी, डिस्टेंस कवर बाय शिवांगी कितना होगा, ये पेरिमीटर, ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल, तो 2 × L + B सर, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B हाँ, 2 × L, लेंथ कितना दिया सर, 160 दिया हुआ, 160 दिया हुआ, अब ब्रेथ कितना दिया हुआ, 165 सेंटीमीटर 160 + 205 सर कितना हो जाएगा, 260 265 हो जाएगा सेंटीमीटर, हाँ 26, ये कितना हो जाएगा वो 5-10 और ये 6×13 ये 530 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये कछुआ है तो ये 300 सेंटीमीटर कवर की, और खरगोश है तो 530 सेंटीमीटर, सबसे 10 सेकंड का काम है सर, अरे ठीक है, सतन एग्जांपल है, शिवांगी कवर बाबू मोर डिस्टेंस, शिवांगी कवर मोर डिस्टेंस बाय बाबू कितना, सबट्रैक्ट कर दो 53 बाबू 300 कितना, 230 मीटर 230 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, हम लोगों को यूनिट मीटर में लेना चाहिए था, हमने गलती कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, या फिर किलोमीटर भी से लिख रहा हूँ, लिखे बाबू, कितना टाइम हुआ है, एक क्वेश्चन का और टाइम है बाबू, ये वो फेंसिंग वाला बाबू, फेंसिंग वाला है ना, वो भी करवा ही देते हैं, हाय बाबू अभी 8 एक फेंसिंग टाइप का क्वेश्चन है, वेरी गुड बाबू, आपको तन्नू बहुत मार मारेंगे, बता समझाते जखनी लिखते रहते हैं, उसके बाद बोलती है डन सर, नहीं सर आपने दिया था उसी, चलो ठीक है बाबू, सर वैसा क्वेश्चन भी होता है ना सर, कि 1 मीटर के इतना रुपीस का फेंसिंग लगेगा तो पूरा का निकालना रहता है सर, हाँ बाबू वही खोज रहे हैं बाबू, सर मेरा बुक में वही क्वेश्चन ही है सर, ठीक है बाबू देते हैं वही क्वेश्चन देते हैं, रुक गया सर लिख रहा हूँ सर, अब टेस्ट ले लीजिए ना, अरे सतान एक और एक टाइप करवाने दो ना, सब टाइप का हो गया ना, साइड निकाल दे, प्रीमियर एक और करवाने दो ना, तो इतना परेशान है, ले लीजिए टेस्ट,
अरे सब पढ़ने वाला साल ने क्या करें बाबू, सब धुंधर धुंधर मेरे यहाँ है। आप भी थोड़ा मन से पढ़ो, पढ़ना नहीं पड़ेगा ज्यादा देर, सर पढ़ना नहीं पड़ेगा बोल के टेस्ट लेने के लिए सब बोलते हैं। टेस्ट लीजिएगा पहले, अभी एक क्वेश्चन और करवाएंगे। एक और नो सर, पढ़ने के बहाने नहीं सर, वैसे ये सब क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं। साइड लास्ट वाला लिख रहा हूं सर, ये टेस्ट अभी लीजिएगा क्या? ले लेते बाबू, क्या दे, लिंक भेज देंगे, आप लोग सबमिट कर देना, अभी तो 7 बजे से क्लास है उस सबका। नहीं सर मत लीजिए ना सर, एक अभी वो सर क्लास में लीजिएगा और हम लोग का टेस्ट भी, इसे तो छोड़ दीजिए ना सर। सर ले लीजिए सर, अच्छा रहेगा सर। नहीं सर मत लीजिए सर, वो रिपब्लिक डे है ना कल स्कूल में सर, वो प्रोजेक्ट वगैरह मिला है करने को सर, रहने दीजिए अभी मत लीजिए। यस सर, और सर कल स्पेशल असेंबली है सर, पूरी असेंबली सर मुझे होल्ड करनी है। अच्छा सर, चलो ठीक है। अपने में लगना, ये लोग इतना क्यों लड़ते हैं? अरे बहुत लड़ते हैं इस मैच में बाबू। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, बाबू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। बोलते हैं ऐसे ना सर, कुछ समझते ही नहीं है बिल्कुल, बोल रहे हैं कि जिसको देना है वो दे। अब प्रकार बाबू शांत रहे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाबू ऑफ ए रेक्टेंगुलर। हमारी सबसे बढ़िया अदित्री जानवी दास ये सब कभी कुछ नहीं बोलती है सर, अभी युद्ध में सर अभी प्रवेश करेगी सब ना, तब ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाबू फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर बाबू, रेक्टेंगुलर पार्क, पार्क बाबू, पार्क ऑफ लेंथ बाबू, पार्क ऑफ लेंथ बाबू 300 मीटर, 300 मीटर एंड ब्रेथ बाबू 200 मीटर, ब्रेथ बाबू 200 मीटर एट द रेट ऑफ सर कितने रुपए मीटर? हाँ बाबू एट द रेट ऑफ 24 रुपया, 24 रुपीज पर मीटर एट द रेट ऑफ बाबू 24 रुपी पर मीटर। सर तो 24,000 आएगा? हाँ बाबू। सर 24,000 आएगा सर? सर 24,000 आएगा, 24,000 मीटर। अच्छी बात है, आज मैं काहे छुट्टी दीजिए सर, बता रहे बाबू सर आज टेस्ट लीजिएगा सर अभी। बहुत परेशान करता है, लिंक भेज देंगे ठीक है ना, टेस्ट सबमिट कर देना, पहले इसको समझो, समझो अदित्री बाबू, जानवी दास बाबू, अदित्री जानवी दास, दिव्या और हर्ष और जो भी सारे स्टूडेंट, क्या करो बाबू, पार्क है आपके पास बाबू, क्या एक पार्क है ना बाबू, पार्क है ठीक है। अब पार्क बाबू क्या करना है, चारों ओर फेंस करना, फेंस करना मतलब बाबू चारों ओर उसको क्या करना, बाहर से घेरना है। तो मान लो बाबू कौन है जी, कौन है बाबू? मैं जानता नहीं, ब्रजेश यादव को जैसी है शुभांगी। शैतान आप लोग ऐसे क्यों करते बाबू? सर यूट्यूब पे सर देख रहा है सर, वीडियो जो भी देख रहा है सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो पर टैप नहीं हो रहा है, नहीं टैप होगा बाबू, तो हम बाबू बेटिंग रूम इनेबल कर देंगे ठीक है। शांति से समझो, क्या बाबू कोई पार्क है ठीक है ना बाबू, कैसा पार्क है सर, रेक्टेंगुलर पार्क है ना, तो इसके चारों ओर बाबू फेंसिंग करना है, मतलब बाबू चारों ओर बाबू आपको वायर कनेक्ट करना, चारों ओर वायर कनेक्ट करना है ना, वायर कनेक्ट करना इस तरह से है ना बाबू, इस तरह से वायर चारों तरफ फेंस करना रहता है ना, वो देखते ना पार्क बाबू चारों ओर फेंस किया रहता है ना, ताकि बाबू आपका एनिमल अंदर नहीं जाए है ना। तो जो बाबू इसको फेंस करना है तो कह रहा बाबू इसका लेंथ दिया हुआ, इस पार्क का बाबू 300 मीटर क्या है लेंथ दिया हुआ, और ब्रेथ कितना दिया हुआ 200 मीटर दिया हुआ ठीक। अब इसको फेंस करना, तो हमको बाबू पहले ये निकालो, फेंस करोगे वायर के थ्रू फेंस करोगे तो वायर का कितना चाहिए, कितना लेंथ चाहिए सर, तो जितना ये बाबू जितना ये इसका जितना पार्क का पेरीमीटर हो उतना ही लेंथ का हमको वायर चाहिए ना, तो पहले वायर का टोटल लेंथ निकाल लो, तो वायर का टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे सर, तो पेरीमीटर ऑफ वायर निकाल दो, तो पेरीमीटर ऑफ वायर कैसे निकालेंगे सर, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये क्या लेंथ है ब्रेथ रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दीजिए, तो वहां से टोटल वायर का लेंथ निकल जाएगा,
और एक मीटर का प्राइस 24 रुपया, तो कह रहा वो टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ है ना बाबू, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ बाबू, पेरीमीटर बाबू ऑफ वायर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ वायर रेक्टेंगुलर बाबू, तो पेरीमीटर ऑफ जो वायर होगा वो पेरीमीटर ऑफ जो वायर हो जाएगा कितना होगा, वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल में कितना होता है, 2 × L + B, ये होता ना। तो पेरीमीटर ऑफ वायर का है सर, चाहे क्या कहें, लेंथ ऑफ वायर का है ना बाबू, बाहर का क्या कहे, लेंथ का है ना वो, पेरीमीटर बोलो चाहे क्या बोलो बाबू, 300 + 200, हाँ बाबू लेंथ ऑफ वायर बोलो, पेरीमीटर बोलो बाबू चाहे क्या बोलो, लेंथ ऑफ वायर बोलो है ना, लेंथ ऑफ वायर बोलो। नेक्स्ट बाबू, तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे बाबू, टू इंटू ये लेंथ कितना दिया हुआ सर, 300 मीटर दिया हुआ, ठीक सर। ब्रेथ कितना दिया हुआ, 200 मीटर दिया हुआ, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 × 500 कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। अब बाबू एक मीटर का प्राइस है 24 रुपया सर, एक मीटर का प्राइस कितना बाबू, 24 रुपया, तो 1000 मीटर का प्राइस कितना हो जाएगा, 24000 हो जाएगा, 1 मीटर, हाँ बाबू 1 मीटर लेंथ बाबू, 1 मीटर की सर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ बाबू 1 मीटर वायर के लेंथ का प्राइस है 24 रुपया, ये हो जाएगा 1000 मीटर है ना बाबू। सिंस बाबू प्राइस ऑफ बाबू, सिंस बाबू या कॉस्ट कर देते हैं, सिंस बाबू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, समझ में आ रहा है दिव्या, सिंस बाबू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर बाबू इज कितना सर, 24 रुपीज, 1 मीटर वायर का कॉस्ट कितना, 24 रुपीज, इसी बाबू कितना बाबू कॉस्ट ऑफ बाबू, 1000 मीटर वायर कितना हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया था क्या सर, इस 24000, हाँ बाबू ये 24 × 1000, आप लोग बाबू कहीं कुछ भी प्रॉब्लम रहे आपके स्कूल का बुक का क्वेश्चन से, कहीं भी बाबू पृथ्वी के किसी भी क्वेश्चन से है ना, आप लोग एकदम पूछ सकते हो बेहिंदास बाबू है ना, कोई डरने की बात नहीं, कहीं भी आपको कोई मान लो आपको एग्जाम है तो कोई टॉपिक पढ़ना है तो हमको कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बता देंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छा से हो जाए, क्लियर, ठीक है सर, बाय सर, फिर 24000, ठीक है सर, डिया भाई नहीं ना दीजिए सर, छुट्टी नहीं ना सर, कल आप लोग का इस बार इसमें बहुत छुट्टी है, ठीक है ना, आप लोग अभी बच्चे हो, एंजॉय कर लो, दिन है तो मॉर्निंग में दीजिए सर, सर अब टेस्ट अंशु जी, तो हम आपको लिंक भेज देते बाबू, आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है ना सर, आप हमको नहीं भेजेंगे, भेजेंगे ग्रुप में भेज देते बाबू, ग्रुप में भेज देते, ठीक है ना, टेस्ट होगा सर, या सर सबसे अच्छा सर जिसको देना है वो दे, जिसको नहीं देना